वो सच को स्वीकार कर लेगी, लेकिन सही उससे पहले हमें सच को स्वीकार करना होगा। क्या है सच? तुम मेरा सच्चा प्यार हो सही। क्या सोच रही थी मैं? कौन? पत्र लेखा? मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? कहाँ हैं विराट? तुम? या? सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? मैंने तुमसे कहा था ना, सभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो मैसेज किया था ना। अगर सभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम यहाँ पर टी शर्ट उतार लेखा? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। तुम हमारे बीच में मत पड़ो, मेरे पति से दूर रहो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, समझी? तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी बुरी साइड देख रखी है? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, और मुझे तुम्हारी गलतफहमी दूर करने पे मजबूर मत करो। तुम सही, तुम्हारा हाथ शर्म, ये शब्द सुना है तुमने? इसका मतलब भी तुम्हें पता है कि क्या होता है? लेकिन तुम्हारी हरकतों से तो वो लग नहीं रहा। तुम एक औरत के कमरे से बाहर निकलते हो, वो भी बिना टी शर्ट के, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, फिर भी तुम्हें उस औरत की फिक्र हो रही है। कितने बेशर्म हो तुम। शट अप, जस्ट शट अप। और प्लीज आवाज नीचे रखो और मेरी बात मानो तो कुछ बोलो ही मत तुम, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना गंदगी भरी हुई है। जैसे ही मुंह खोल रहे हो ना, पता चल रहा है कि कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मेरी सोच घटिया है? वाह विराट, किसी और औरत के घर में बिना कपड़ों के तुम घूम रहे हो और सोच मेरी घटिया है? सच तो ये है कि मैं तुम्हें, चल, क्या कर रहे हो, कहां लेके जा रहे हो मुझे? सच जानना है ना, सच दिखाने जा रहा हूँ और तुम्हारे मन में जो घटियापन है ना उसे निकालने जा रहा हूँ। चल हाथ जोड़ो। देखो, अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि सही और मैं बच्चों के सामने ऐसा कुछ, जी लेकिन फिर तुम इसे बिना टी शर्ट के घूम रहे हो। क्योंकि सभी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने मुझ पर उल्टी कर ली और मेरी टी शर्ट गीली हो गई और वो सूख रही है। वहां पर दिख रही है टी शर्ट या अभी भी आंखों पर शक का चश्मा चढ़ा हुआ है? सभी 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 सभी, ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ सभी की वजह से है। सभी को भी अभी बीमार पड़ना था जब मैं फैक्ट्री विजिट करने गई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि सभी बार बार क्यों। क्या बोल रही हो तुम, समझ में भी आ रहा है? अब बच्चे बताकर बीमार पड़ेंगे? अरे तुम्हें इनफैक्ट उसे पूछना चाहिए कि वो कैसी है, क्या हुआ उसे, लेकिन तुम अपना गुस्सा निकाले जा रही हो उस पर। कैसी माँ हो तुम? क्या कहा
तुमने? अभी भी तुम्हें सभी के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा ना विराट? तुम अभी भी उसकी वजह से मुझ पे सवाल उठा रहे हो कि मुझसे पूछ रहे हो तुम मैं अच्छी माँ हूँ कि नहीं? हाँ, सवाल उठा रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ तुमसे, क्योंकि कोई भी माँ ऐसे बात नहीं करती, खास तौर पर उस बच्चे के लिए जिसकी तबीयत इतनी खराब है। उल्टा तुम तो पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या कहानियां बना के बैठी हो। बिना आपके ना धुआं नहीं उठता विराट, और ये सब मैं आज की सिचुएशन देख के नहीं बोल रही हूँ। जब से वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है ना, किसी और के तो कोई मायने ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। किसी और का कोई वजूद ही नहीं है तुम्हारी नजरों में। अरे तुम मुझे तो छोड़ो, तुम वीनू तक को भूल गए हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम सिर्फ उस लड़की के लिए जी रहे हो, और इस सारी फसाद की जड़ बस वो लड़की है। अब वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भद्रलेखा, मेरे घर में खड़े होके मेरी बेटी के बारे में गलत मत बोलिए। अरे मैं तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि उसकी वजह से फिलहाल मेरी जिंदगी में जो चल रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मेरे साथ मेरा परिवार टूट रहा है उसकी वजह से, दिख रहा है तुम्हें? मुझे मुझे सभी से नफरत है। बस विराट, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं, चुप हो जाओ, मुंह बंद कर दो अपना, और मेरी बेटी के बारे में आइंदा से कुछ भी गलत मत बोलना, कभी नहीं। नहीं तो मैं कुछ सच में गलत कर दूंगा। क्या हुआ बाबा, आप इतनी जोर से क्यों बोल रहे थे? मम्मा आप भी यहाँ पे आ गई? क्या हुआ, आप दोनों लड़ रहे थे क्या? आप मुझसे नाराज हो? नहीं बड़ा, आपके आई आपसे नाराज नहीं है, हाँ वो नाराज है लेकिन अपनी सोच से। चलो बड़ा, अब आप उठ गए हो ना, अपना प्रोजेक्ट लो और घर चलते हैं। डॉक्टर आंटी, बाय। चलो बड़ा।